शांति कवि और उसकी कृति के कार्यक्रम में मित्रों आपका स्वागत है पिछली कड़ी में हम बात कर रहे थे चिराग में से ली गई कविता दीपक और पतंगा इस कड़ी में हम बात करेंगे एक ऐसी कविता जिसका नाम है दीवा समय और जीवन धारा ये चिराग किताब में से ही एक कविता है क्या है ये दिया क्या है समय क्या है और जीवन धारा क्या है मेरी व्याख्या से समझा जाए दीवा एक दिया समय हुआ जीवन धारा हमारा जीवन चल रहा है जैसा भी है अच्छा है बुरा है 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 बस चल रहा है, कट रहा कट हमें जीवन को काटना नहीं है जीवन को अच्छे से चलाना है इस कविता में हमारे यशपाल शर्मा जी ने क्या बताया है ये उनसे जानने की कोशिश करेंगे आइए स्वागत करते हैं यशपाल शर्मा जी का जो पठानकोट से हमारे इस कार्यक्रम में हुए हैं यशपाल शर्मा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे आपने में बुलाया जी आपकी चिराग किताब में से ली गई एक कविता है जिसका नाम है दीवा समय और जीवन धारा जी मैंने जो कुछ शब्द बोले दीवा मतलब दिया जी समय बीतता जा रहा हाँ। और जीवन धारा मतलब जीवन का हर एक पहलू हाँ। कट रहा है हाँ। चल रहा है अच्छा है बुरा है बस जो भी कट, है। रही है। है आप कट रही है कोई पूछता है कि आपसे आपकी जिंदगी कैसे कट कट रही 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 है 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 चल कोई ये नहीं बोल पाता कि अच्छी है बहुत अच्छी है कोई बहुत ही खुश है तो वो बोलता है कि बहुत अच्छी है बहुत अच्छा चल रहा है भाई लेकिन किसी के जीवन में कुछ उतार चढ़ाव आ जाता है कट रही है यार चल रही है यार इससे ज्यादा और क्या होता है आपका कहने का क्या भाव है ये तीन शब्द जी दिया है समय है और जीवन धारा है ये मेरे जो शब्द हैं ये बड़े गहन है और विशाल है इनकी गहराई बहुत ज्यादा है दिया ये सिर्फ दिया नहीं है ये हमारी आशाएं हैं ये हमारी आक, आकांक्षाएं हैं ये हमारे सपने हैं ये हमारी उड़ान है और ये सारे जो उड़ान है ये कर्म के ऊपर आधारित है जब तक हम कर्म नहीं करेंगे हमारी आशाओं का दीपक नहीं चल सकता आशाएं अनेक हैं अलग अलग हैं माँ बाप के बच्चे होते हैं और माँ बच्चे को जन्म देने से पहले अपने उसके बच्चे के बारे में सोचती है कि अगर बेटी हुई तो मैं उसे क्या बनाऊंगी <laughs> अगर बेटा हुआ <laughs> तो मैं उसे <laughs> क्या बनाऊंगी गृहस्थी <laughs> मियाँ बीबी आपस में एक अपना आशियाना बनाते हैं और उस आशियाने में एक पर छोटा सी उसकी बगिया होती है उसके वो जो बच्चे हैं वो फूलों की तरह होते हैं ही। जब वो फूल उगते हैं जब वो फूल पड़ते हैं उनके ग्रिस्ती में तो दोनों मियाँ बीबी बैठते हैं और जो तय करते हैं बेटी है मैं तो बेटी को क्या बनाएंगे क्या पढ़ाना है क्या बनाना है आगे चलकर उन्होंने क्या बनना है ये दूसरी बात है जी। एक माँ अपने बच्चे के लिए एक बाप अपने बच्चे के लिए बेटा या बेटी के लिए एक सपने बुनता है बच्चे ने उसको पूरा करना है या नहीं करना है ये दूसरी बात है किंतु वो एक उड़ान कहते हैं कि ये हमारे इस गृहस्थी की ऐसी उड़ान हमारे बच्चे भरे कि जो दुनिया देखे कहे वाह यार क्या बच्चे निकले हैं कितने लायक बच्चे निकले हैं कितने संस्कारी बच्चे निकले हैं कितने विवेकशील बच्चे हैं कितने सभ्य हैं कितने संस्कृत हैं सो so दीवा जो है ये हमारी आकांक्षाओं का प्रतीक है हमारी आशाओं का प्रतीक है हमारे कर्म का जो योग जिस कर्म ने आगे चल करके फल लगाने हैं है, मैंने मैंने दिया उसको कहा है मैंने कर्म के बिना दिए नहीं जलते कुछ कर्म करेंगे तो दीपिका उन्होंने माँ बाप क्या करते हैं बच्चे को ऊपर पैसा लगा दो अच्छे अच्छे स्कूल भेज दो माँ बाप यही कर सकते हैं। आगे बच्चे ने आगे कितनी उड़ान भरनी है अपने अनुसार ये कल की बात है और एक बात और किसी महात्मा को किसी ने प्रश्न पूछा था कि महात्मा जी सबसे अच्छा वक्त कौन सा होता है तो उसने कहा था ये वर्तमान है वर्तमान जो है ये हमारे भविष्य का आधार है आज के जो बच्चे हैं ये हमारे भारत के सपने हैं नन्हे-नन्हे दीपक हैं कल जिन्होंने गोल खिलाने हैं कल जिन्होंने ज्ञान बांटना है हर क्षेत्र में वो शिक्षक भी हो सकता है वो एक बहुत बढ़िया नेता हो सकता है वो वैज्ञानिक हो सकता है और वो एक अच्छा फिलासफर हो सकता है कुछ भी अपने अपने परिवार को का नाम रोशन करने में या अपने देश का नाम रोशन करने में या वो अथक परिश्रम करते हैं देखिए कुछ बच्चियाँ आजकल आई एस कर रही हैं पी सी एस कर रही हैं वैज्ञानिक हैं पुलाड़ में जा रही हैं तो जब ऐसे जब उनके माँ बाप के बच्चे जब ऐसे कारनामे करते हैं तो उनकी आशाओं के जो दीवे हैं वो जल उठते हैं वो समिति हैं कि सचमुच हमारे जो सपने हैं जो सपनों को अब अब फल लगे हैं ये हमारे बच्चे हम जैसा चाहते थे कि बच्चा हमारा ये बने वो बने एक नाम रोशन करे जब उड़ान भरते हैं तो माँ बाप की खुशी का को पाराबार नहीं रहता आगे बात करते हैं हम समय की समय एक बहता हुआ दरिया है समय कभी रुकेगा नहीं और समय अनेक रंग है दो चीजें कविता जी इस दुनिया में वो हमेशा रहती हैं वो अटल है एक ब्रह्म सत्ता और एक परिवर्तन परिवर्तन दुनिया पे देखिए आज हम कुरुक्षेत्र में जाते हैं जहां पांच हजार साल पहले वहां पे ये महाभारत का युद्ध हुआ तो उस समय धरती कैसी थी उस समय वहां पे क्या हालत तो क्या था क्या नहीं था आज वो सारा कुछ चेंज हो गया है मैं जब जहाँ पे यहाँ आया मैं शांति बन में तो देखा जहाँ पे इतनी दुकानें नहीं थी कारोबार बड़ा कम था अब देखो वहां पे इतनी मार कीड़ी चमक उठी है कहते हैं कि ये ये यार ये कैसे ही हो गया चमक ये समय का प्रवाह है समय का परिवर्तन है अब अब हम ब्रह्म कुमारी मिशन को लेते हैं हम को देखते हैं कि पहली जगह बिल्कुल जगह साफ जगह थी आज उस पर सात सात मंजिली बिल्डिंगे हैं वहाँ पे जब हम ट्रांसपोर्ट विभाग में आते थे ये जगह पूरी कच्ची थी जहाँ मिट्टी उड़ती थी आज देखो वहाँ पे टाइल लगी है ऐसे ही कभी आपने सपने में नहीं सोचा होगा कि तपो जो तपो है जो कभी ऐसा बनेगा मगर बने कभी आपने कभी ऐसा नहीं सोचा होगा कि ये स्टूडियो बनेगा और मैं जहाँ बैठूंगी और मैंने भी नहीं सोचा था कि कभी मैं स्टूडियो में जहां आऊंगा और कविता मेरे एंकर के रूप में सामने खड़ी होगी यह समय का एक प्रभाव है और जो आज का समय है ये हमारे हाथ में है एक पोएम ये कुछ पंक्तियां हैं जी कर्मे तेरे वर्तमान मिले समय का लाभ उठा कर्मे तेरे वर्तमान मिले समय का लाभ उठा यतन दीप लगन कर पति आशाष में तेल जला भूतकाल की भूलों से प्यारे साथी तौबा कर जीवन सफल बनाने को मन में दूना साहस कर hmm. तो मैं एक विद्वान की मैं एक बुक पढ़ रहा था वो लिखता था समय को समय भाग रहा है समय को घोड़ा है जी. तो समय को कैसे पकड़ा जाए कहता पीछे धूम से नहीं पीछे पकड़ेगा वो आपको दलती मार करके दूर फेंक देगा घोड़े को समय के घोड़े को जब भी पकड़ना हो उसकी जो आगे माथे के बाल वहीं से पकड़ो जब माथे के बाल जब घोड़े के पकड़े जाते हैं ना तो वो काबू में आता है उसे लगाम दी जाती है वो पूछ पकड़ करके वो हमारे हाथ आने वाला नहीं यही जो हमारा वर्तमान है वर्तमान ही भविष्य का भविष्य की नींव है आज हमने वर्तमान समय को संभारना है आज इसे संभारेंगे, आज इस समय का हम कीमत डालेंगे तो ये कल को हमारी कीमत डालेगा मुझे कहानी याद आ गई बेंजामिन फ्रैंकलिन, वो समय का बहुत पाबंद था समय की बहुत कीमत जानता था वो अमेरिका का संस्थापक भी था एक की भी था एक सैनिक भी था एक विचार के भी, भी था और एक लेखक भी था वो उसकी मैंने कुछ लाइनें पढ़ी कहता था कि इतना मत खाओ कि नींद आने लगे इतना मत पियो कि होश गुपा बैठो हो। उसने एक किताबों की दुकान खोली वहां पे अपना नौकर बिठा दिया कुछ अपना काम था घर में चला गया तो एक आदमी जिसे को किताब चाहिए थी वो वहां चला जाता है किताब का मोल पूछता है इस किताब का क्या मोल है मानियो कहता जी इसके सौ रुपया मोदा कहता यार किताब छोटी सी है ज़्यादा पन्ने नहीं है तो थोड़ा कम करो कहता जी एक सौ दस वो फिर कहता यार तू पागल हो गया मैं कम करने कहता तू आगे से आगे बढ़ा जा रहा कहता एक सौ बीस वो करते करते दो तीन वो बहस करता है भाई यार तू मूर्ख हो गया पैसे मैं कम करने तू आगे दस और बढ़ाता चला जा रहा है, है? Hmm. जब किताब का मोल दो तीन गुना हो गया तो किताब वाला चुप हो गया कि यार ये ऐसा मूर्ख इसने बेंजामिन ने रखा हुआ है ऐसे अकली नहीं है बात करने की है वो जाकर के बेंजामिन को मिला बेंजामिन ने जब कुंडी खड़काई, तो पूछा भैया कैसे आए हो सारी कथा सुनाई तो उसने उसमें, उसमें पचास रुपये और डाल दिए किताब इतने की मिलेगी किताब उसे पसंद थी उसने कहा भी का पचास और डाल लो मुझे ये बताओ कि इसका कारण क्या है हर पल में जब कहता हूँ काम करो आप इसका बढ़ाते जाते बड़ाते जा रहे हो तो उसने कहा कि समय की कीमत है जो समय की कीमत जानता है वो जिंदगी में हमेशा सफल होता है गया हुआ समय और बहा हुआ पानी कभी दोबारा वापस नहीं बापस। आता सो इसलिए समय को जब पकड़ना है उसके आगे से पादों से पकड़ना है और उसका पाप लाभ लेना है समय का सदुपयोग गांधी जी क्या करते थे उन्हें कहा समय का सदुपयोग करो जो समय को बर्बाद करते हैं समय को हमेशा बर्बाद कर देता है लड़ाई के मैदान में हम उतरते हैं तो सेकेंटों की खेल होती है सेनापति या जो वहां पे ऑफिसर होते हैं युद्ध तो चला है तो सेकेंटों में जो फैसला लिया जाता उसे किया जाता वो सोचने नहीं बैठ जाते जो सोचने बैठता है तो दुश्मन जो हावी हो जाता है समय अपने आप में परिवर्तनशील है समय कभी किसी का लिहाज नहीं करता जो आज राजा है, है। पाकिस्तान बना। तो उस समय कई ऐसे परिवार थे जो उस समय जब एक रुपया नहीं होता था किसी के पास जी गांव में जिसके पास दस रुपये होते थे वो शहकार माना जाता पैसा था ही नहीं लोगों के नहीं। पास ही नहीं, ही नहीं। तो उस समय जिनके सैकड़ों दो दो हजार जिनकी जिन, गुमा, जिनकी एकड़ जमीन थी वो जहां उन्होंने धक्के खाए उन लोगों ने धक्के खाए और जो बहुत अमीर थे गरीब हो गए और जो बहुत गरीब थे उन लोगों ने लूट खसूट की अपने घर पर किस्मती उनका साथ है, जो गरीबों का साथ दिया वो धनी हो गए जो धनी थे वो बेचारे वो वो वहाँ आगे जहाँ कभी उन्होंने सोचा, सोचा नहीं था। तक नहीं था। वो लोगों के नौकर बने समय इतना बलवान होता है कि मनुष्य को पता भी नहीं चलता बिल्कुल कब से क्या हो जाए कब से क्या हो कहते हैं कि समय का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए कि समय कैसा आ जाए जो सुगढ़ ग्रहणी है पति जितना धन कमाता है उसमें कुछ बचाती है समय कैसा आज कुछ कहा नहीं जा सकता अपने घरों में देखते हैं कि जो शुग्र ग्रहणी है वह कुछ पैसे ऐसे बचाती है जो पति को पता नहीं होता कि क्या बचा रही है उसे पता है कि जो मैं ला रहा हूं ये घर में ही है सारे किंतु वो इस तरह से गृहस्थी चलाती है कि वो वो बचत करती जाती है करती जाती है को पता नहीं होता और जब कभी ऐसे समा जाता है तो पुरस्क घबराता है बच्चों को फीस देनी है दाखला आ गया है पर ये कैसे बात बनेगी जीवन तो धारा है जी जीव समय है समय है समय है जीवन धारा के साथ जोड़ सकते है आप समय है समय को वो समय को संभाल रही है आने वाले काल के लिए समय को संभा रही हैं वो देख रही हैं कि भविष्य में क्या होता है बीमार को हो सकता है वो और आभ आ सकती है बच्चे पढ़ रहे हैं कल को ऐसा खर्चा आएगा जब तक वहाँ पैसे नहीं निकाल सकते जी। हमारे साधन सीमित है कहाँ से आएंगे पैसे खाने को क्या है जितना मर्जी खा लो और ले खालो। रोज लेबी खा लो और रोज पूड़ी खा लो रोज हलवा खा लो और रोज अच्छे अच्छे बस्तर ले आओ आने तो उस कमाई से है ना और जो ग्रहिणीय है जो सुगढ़ ग्रहिणी है वो उस कमाई से कुछ ना कुछ रखती रहती है जब कोई ऐसा पैसा आता है वो पति कहते डोलना नहीं है जी मैंने रखे हैं। hmm. कुछ ऐसे घर हैं, मेरे जीवन में आए मैंने देखा एक मित्र हमारे लुधियाना में थे जी. बहुत अच्छे गायक थे तो पैसा इतना बरसता था कि उसने चार पांच नौकर रखे थे जी. जो पैसे होते थे उन्हें कहते भाई इनकी गठियाँ बना दो गढ़ियाँ बना दो इनकी नौकर बनाते थे डेरों के ढेर पड़े हुए हैं आज कहाँ खाना खाना है? अम्बाला में जाएंगे आज कहाँ खाना खाना है मोहाली जाएंगे दो दो गाड़ियाँ हैं उस समय जब कभी जब नया नया जे मोबाइल चला लोगों ने नाम भी नहीं सुना था उसके पास मोबाइल था वक्त नहीं संभला जो स्त्री थी उसकी बीबी उसकी बीवी ने वक्त को नहीं संभला नहीं सबला तो हुआ क्या वक्त निकलता क्या निकलता क्या निकलता क्या कोई जो पैसे का दुरुपयोग करता है जो समय का दुरुपयोग करता है जो सूजबान सूज से नहीं चलता वो अंत में बर्बाद होता है ऐसा मैंने एक नहीं कई कहानियां देखी कई अपने मैंने अपनी आंखों से उन लोगों को देखा मैंने जी। और आज पोजीशन जहां तक आ गई उसका गाना बजाना इतना चला नहीं वो करेदार हुआ अपने मित्रों का लाखों का विश्वास था कि यार दे देगा इसका इसका धंधा चलता है जी। आज ये और फिर उसे पता है कि हमारी आय जो सीमित होती जा रही है जब पता है कि मेरे पास इतना पैसा है मकान खरीदो कुछ पैसे पीछे डालो कुछ खर्च करो चार चार नौकर रखने की क्या जरूरत है <laughs> फिर अम्बाला जाकर के खाने की क्या जरूरत है मोहाली जाकर के खाने की क्या जरूरत है जीभ रखी है और एक बात हमारी जहबा खाने में और बोलने में अगर ये संयम हो संयम रखे जी, जी। तो ये जी, बहुत कुछ प्राप्त कर सकती है मधुर वाणी समय अनुकूल शब्द आदमी का बिगड़ा हुआ काम बना देते हैं अगर उसके स्वर कड़बे हों और समय अनुकूल ना हो बना हुआ काम भी बिगड़ जाता है और खाने में खाने में जितनी ज़िहबा को हम बढ़ाएंगे जितनी लाल साइज की बढ़ा लेंगे उतना हमारा पेट खराब खराब होगा और हम अपने सेहत को गुमा बैठेंगे कहते हैं कि चार चीजें जो हैं, जिसके पास वो हैं, वो आदमी का सबसे बड़ा अमीर आदमी है वो क्या? पहला सुख पहला सुख निरोगी काया, जी। दूसरा सुख होवे वे कर माया, तीसरा सुख पुत्र आ गया चौथा कार पग बनती है नारी काया तंदुरुस्त है तो ये कंचन दे है कंचन देह जी अगर काया को बीसों रो लगे हैं तो ये तो लोहे से भी बदतर है कैसा कंचन हुआ तो मैं तभी पिछले एपिसोड में कह रहा था कहा मैंने कि आदमी को अपने जिहा जिहा के ऊपर कंट्रोल रखना, रखना चाहिए, चाहिए। कि समय मिकदार और अपनी उम्र को देख करके खाए अगर उसने अपने स्वास्थ्य को रखना है हम शादियों में जाते हैं तो वहां पे सैकड़ों चीजें होती हैं, जो होते हैं वो खाए जाते हैं खाए जाते हैं खाए जाते हैं वहाँ से वो शगन देते हैं तो तीन हजार आकर के अपनी बीमारी के ऊपर लगाते हैं ना उन्होंने समय देखा ना ही उम्र देखी ना मेदार देखी और आकर के बिस्तर ले लेते हैं जो हमारी मेहनत की कमाई हुई हमारी तो कमाई थी मेहनत की वो डॉक्टरों के घर चले गई दूसरी बात मायागार होनी चाहिए और माया का जो जो सदम होना चाहिए जो काम पांच में हो सकता है उसे में क्यों करें जो काम सौ में हो सकता है वो एक सौ दस में करें क्यों करें हम हम क्यों ना बचाएं उसे बचत बचत होनी चाहिए भविष्य के लिए हम बचत नहीं करेंगे तो जाएंगे कहां। में मिल जाएंगे जी। और तीसरा के पुत्र कारी होना चाहिए सपूत होना चाहिए जिस घर में उस जिस घर में माँ बाप का जो पुत्र कारी है श्रवण है उससे बड़ा को सुख नहीं हो सकता अगर पुत्र बिगड़ जाए तो, का तो जो माँ बाप है। हैं वो वो वृद्ध्रश्र आश्रम को भागते हैं कि यार चलो यहाँ से अब अब हमारा जहाँ ठिकाना रहने वाला नहीं है और जो वहां जाते हैं वो अमीर घरों के जाते हैं जी। जो गरीब लोग हैं जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उनके माँ बाप कभी मैंने बड़ी बड़ी कोठियों वाले लोग हैं और बड़ी फैक्ट्री वाले लोग हैं जिन्हें हम बहुत सुखी मानते हैं क्या सुखी ये है कि जो अपने माँ बाप को तुम वृद्ध राश्रम में दो जी उनके विचार संस्कार जे कमाया उन्होंने माँ बाप का क्या गुनाह क्या है कि उन्होंने उनको इतने काबिल बनाया कि इस समय के हिसाब से उनको आ, उनको फैक्ट्रियाँ लगा दी उनको अच्छे मकान दे दिए अच्छे कारोबार सेट कर दिए ये गुनाह उनका था ना माँ बाप ने अच्छा खाया ना अच्छा पहना ना कहीं घूमे ना बेचारे वो दान पुण्य कर सको पैसों ने अपने हाँ। बच्चों के लिए आगे भविष्य के बारे में सोचकर हाँ। उनका भविष्य सोचा उन्हीं का तो सोचते रहे अपना नहीं सोचा और वृद्धाश्रम को चल पड़े जिस समय है सारे तीर कहते हैं कि तर्क से नहीं निकालने चाहिए कुछ तीर अपने पास रख लेने चाहिए ये आपने मात पिता के बारे में बारे मात पिता के बारे में कहता हूँ जो सुन रहा हो जब हमारा जो एपिसोड को सुनेगा तो मैं उनको यही राय दूंगा कि सारे जो पैसे हैं सारी जायदाद जो है वो बच्चों को नामात लिखिए वसीयत करिए जी। के काल को गए इधर उधर होते हैं तो बदल बदली जा सकती है जी। फिर हम कहते हैं कि पहला सुखन्द रोगी काया दूसरा कर होवे माया जी। तीसरा पुत्र कारी चौथा कर भगवंती नारी।, नारी एक अच्छी ग्रहणी सुगुड़ ग्रहणी चतुर्ग्रहणी नीतिवान ग्रहणी विचारों संस्कारों वाली ग्रहणी और ईश्वर से डरने वाली जब ऐसी ग्रहणी होगी तो वो समय समय के साथ वो अपना तालमेल रखेगी वो जीवन की धारा को अपने ढंग से चलाएगी आज जीवन की धारा कितनी बदल गई है लोगों की चार बातें आपने बताई ये तो जीवन से भी संबंधित है संबंधित है और जीवन धारा हमारी कहाँ जा रही है कोई पता ही नहीं को पता नहीं है कुछ आ, उसका समय ही नहीं है बस चलते उनके सोचने का समय नहीं जी, है जी, जी। आए सर्विस की तो आज खाना नहीं है होटल से मंगवा लो चिकन खाओ ये खाओ वो खाओ श्री की तरफ ध्यान नहीं है विचार बदल गया जीवन धारा ही बदल गई लोगों की वो विचार संस्कार कहाँ चले गए अरमाइन की छिपाइयाँ सुनने का टाइम नहीं है योग लगाने का लोगों के पास टाइम नहीं है बुजुर्गों के पास बैठने का उनके पास टाइम नहीं है बुजुर्गों के, के पास को बैठे वो अच्छी बात करते हैं बुजुर्ग जो संस्कार देते हैं विचार देते हैं पाल पो, उनका मन करता है कि हमारा बहु जब बेटा आए हमारे पास बैठे hmm. मैं विदेशों की बात कर रहा हूं मैं। मैंने बेटे से प्रश्न किया कि बेटा तुम विदेश में रहते हो और लोगों के पास धन की, धन की कमी नहीं है साधनों की कमी नहीं है वो लोग बड़े सुखी हैं कहता पापा इधर बड़ी टेंशन है लोग डिप्रेशन में मर रहे हैं मैं क्यों कहता समय ने बहुत कुछ बदल दिया है आप इधर लेबर रिलेशन हो रहा है नब्बे पचानवे परसेंट लेबर रिलेशन है बच्चे चौदह चौदह पंद्रह पंद्रह साल के बाद माँ बाप को छोड़ देते हैं माँ बाप अकेले हैं, बाप कहाँ है माँ कहाँ है सिर्फ एक अपने सुख के बारे में जिन जिन माता पिता ने एक बच्चों को इतना पढ़ाया लिखाया जीवन आगे सफल किया उनको जीने की एक राह दिखाई हा, हा। वो बच्चे सिर्फ कुछ कमाने के लिए सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं माताओं के, मात के बारे में बारे में नहीं सोचते हैं ऐसा क्यों क्या है ऐसा कौन सी ऐसी शिक्षा आ गई जो अपने माता पिता को छोड़ दिया जो अपने माता पिता को वृद्ध आश्रम में छोड़ दिया मतलब क्या नजर आता है आपको इसमें मैं जो सोचता हूँ वो ये है कि हमारी सभ्यता और संस्कृति बहुत विशाल है ये राम की धरती है ये सीता की धरती है ये लक्ष्मण की धरती है ये भरत की धरती है ये दशरथ की धरती है ये कृष्ण की धरती है ये गौतम की धरती है ये शंकराचार्य की धरती है ये बाबा लेखराज की धरती है जिन्होंने विचार संस्कार दिए पवित्रता पवित्र खाना पवित्र दृष्टि और ईश्वर के साथ मिलन बनाना परमार्थ के कर्म करना मधुर मीठा बोलना अतिथि का सम्मान करना ये हमारी संस्कृति है ये हमारी सभ्यता है कि हमारा पहरावा कैसा हो हमारा खान पान कैसा हो हमारे विचार कैसे हो मैंने पहले कहा था कि समय बहुत बदला है और उस समय से विकास हुआ है कच्चे से पक्के मकान बन गए कच्ची सड़कों से पक्की बन गए विनाश भी हो रहा है साथ साथ में विकास उस... तो हुआ ही है विनाश भी हो रहा है विनाश उसके साथ देखिए अगर विचार संस्कार हमारे मिट जाते हैं हमारी सभ्यता संस्कृति मिट जाती है तो समझिए हम मिट गए हिंदुस्तान की जो सभ्यता है जो संस्कृति है वो जुगो जुगंत्र है वो सनातन है आज जो कुछ मर्जी हो जाए हिंदुस्तान से जे संस्कृति मिटने वाली नहीं है जे सभ्यता जीवित रहने वाली है जब तक हमारे घरों में जे सभ्यता है राम रामायण कही जा रही है गीता पढ़ी जा रही है उपदीघ पड़े जा रहे हैं या ग्रंथ ग्रंथसाह पढ़ा जा रहा है तो हिंदुस्तान मिटने वाला नहीं है जे विचकार संस्कार रहेंगे चाहे कितना कुछ मिट गया है वहां पे ये सब नहीं है वहां उन, 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 उनकी पुरातन सभ्यता ही नहीं है उनकी संस्कृति नहीं है उनकी संस्कृति सभ्यता ही वहीं से शुरू होती है वाइन वोमेंट से शुरू हुई है कितनी शराब पीए कितनी स्त्रियों के साथ भोग विलास करें आखिर उसकी एक सीमा है जब वो सीमा निकल जाती है तो वो सिर पे हाथ रख करके बैठ जाते हैं उनके पास कोई रास्ता नहीं हो इधर भागते हैं इधर आकर के कभी इधर आते हैं ब्रह्मा कुमार मिशन में आते हैं और कई बार दूसरे कई मिशन है वहां जाते हैं हमें शांति मिल जाए शांति कैसे मिलेगी एक भटकन है उनमें एक जीवन का वो सीमा सीमा में रह कर के किया गया कोई भी कार्य वो हमारा हर काम सिद्ध करता है जब हम सीमा रहत हो जाते हैं मर्यादा से रहत हो जाते हैं तो समझिए कि विनाश आने वाला है चाहे विज्ञान का भी आ लीजिए जी जीवन की धारा जो है ये बदली है उधर इतनी बदल गई कि लोग डिप्रेशन में आ गए किसी के पास कुछ नहीं है और इधर अभी बहुत कुछ हमारे हाथ में है अभी अच्छे अच्छे मिशन चल रहे हैं बाबा का मिशन चल रहा है बहुत लोग आ रहे हैं देखते हैं एक कहते हैं, महात्मा गांधी ने कहा था अगर समाज का एक आदमी सुधरता है, तो है।, है तो सौ आदमी को सुधारता है अगर एक बिगड़ता है तो सौ आदमी को विनाश की तरफ लेके जाता है जरूर हम आशा करते हैं कि हमारी आशाएं आशाओं के दीपक और वक्त का मिजाज और जीवन की धारा अगर जो संयम में चलेंगे सभ्यता तो और संस्कृति को देख करके चलेंगे तो भारत और महान होगा ऐसा मेरा विचार जी आपकी कविता दिया दीवा समय और जीवन धारा मुझे पढ़ने का आपने मौका भी नहीं दिया और इसकी व्याख्या आपने बिना पढ़े ही हमारे <laughs> दर्शकों को बता दी ये कविता थी आज की हमारी रेशपाल शर्मा जी आप हमारे इस कार्यक्रम में आए आपका बहुत बोध बहुत धन्यवाद शुक्रिया मित्रों बिना सोचे समझे कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए अपने समय को सदुपयोग में लाएं दुरुपयोग में नहीं अपना जीवन सफल करें तभी हमारे जीवन की हमारी जिंदगी की एक अच्छी हमारे जीवन को एक अच्छा लक्ष्य प्राप्त हो सकता है अगली कड़ी में नई कविता के साथ आपके समक्ष हाजिर होंगे तब तक के लिए दीजिए इजाजत नमस्कार ओम शांति नमस्कार ओम शांति